भाई 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 भाई, भाई बंदा पावर में आ गया गाइस। ओ आ गया गाइस। ओ गाइस यहां पर रेस होने वाली है। सो हे गाइस, कैसी अपनी पब्लिक हो, कैसे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर पे होंगे। तो मैं आपका दोस्त आर्यन, सो कैसी अपनी पब्लिक हो, कैसे बढ़िया ही होंगे। सो फिलहाल के लिए गाइस, अभी हम राहुल के घर के बाहर, तो यार ये हेलमेट अपनी लगा रहा है, तो उसके बाद गाइस चलते हैं राइड पे। तो कृपया करके यार आज वीडियो बने रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे कैसे लग रहे हैं, और साथ में आज गर्ल्स मैंने डाले हुए हैं, प्रो रेसर के ये हैं, तो चेक कर सकते हो। तो यार चलते हैं राइड पे, तो मिलते हैं सीधा राइड पे। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं, तो राहुल अपने पीछे, जैसे आपको मिरर में दिख रहा होगा, तो यार राहुल पीछे है, तो चलते हैं फुल पावर। यार आज का ब्लॉग कुछ खतरनाक तरीके वाला होने वाला है, तो यार पूरी राइड में बने रहना और साथ में देखिए कि आगे का क्या प्लान रहता है। तो पहले तो जाना मार्केट, तो जाएंगे आज हम दूसरे रूट से, तो कॉलेज वाले रूट से जाने वाले हैं। तो अभी शाम का टाइम होगा 5 बजने वाले हैं, तो चेक कर सकते हो आप इस टाइम पे, 4:46 होने वाले हैं, मतलब हो गया। ओ चलो भाई 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 बंदा पावर में आ गया गाइस। ओ ओ भाई, ओ भाई की भाई तभी सीन होने वाला था, तो देख रहे हो। तो यार चलते हैं फुल पावर। ओके इसकी साउंड बड़ी खतरनाक वाली निकल रही है इस टाइम पे, पता आपको भी यार इतनी खतरनाक। ओ हो यार इसकी ब्रेक नहीं बज रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, अभी रेस हो जाएगी तो फिर गाड़ी। ओहो गाड़ी भी फुल पावर आ रही, आंटी भी धीरे कम चल रही है, देख रहे हैं पास नहीं जरा बंदा भाई कंपनी। ओहो ये तुम्हारी ले रही है गाड़ी, गाड़ भाग नहीं रहे, वैसे साउंड कैसे आ रही है, कमेंट करके जरूर बताना यार। ओहो गाय 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 पागल, मेरे को पता नहीं इसने आके आना था। यार राहुल की बाइक की साउंड सुन रहे हो, पूरी खींच ली है, बोल रहे कैसे भाग रहा है आज। ओ भाई आज फुल पावर होगा बंदा, बता वो चक्कर क्या है। तो यार पहले मैंने वीडियो चेक कर रही है कि यार कैसी साउंड आ रही है वीडियो में। तो गाइस यार अभी ना मैं यहाँ पर खड़े ना चेक कर रहा था कि साउंड कैसी आ रही है, तो यार आवाज मतलब की कुछ गूंज रही है, पता होगा हेलमेट में, तो मैंने ना हेलमेट को मतलब कि हेलमेट के अंदर ही लगाया था माइक, तो उसकी वजह से ना मेरी ना आवाज ना इसके अंदर हेलमेट के अंदर ही गूंज रही है। तो अभी मैंने न्यू माइक लिया बोला था, तो पता नहीं क्या चक्कर हो गया यार, आवाज पता नहीं कैसी आ रही है। तो यार आप कृपया करके उस चीज को इग्नोर करना यार, अगर आपको आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी तो यार इग्नोर करना, आज के ब्लॉग में सैक्रीफाइस कर लेना। तो कल के ब्लॉग में मैं मतलब कि यार दूसरा माइक अगर हो सके, अगर ऐसे मिलेगा टाइप सी वाला, तो मैं वो लगा लूंगा। तो आज मैं फोन से कर रहा हूँ ब्लॉग, होप कि आपको यार अच्छा ही एंगल आ रहा हो। तो यार इस वाले फोन में ना ये वीवो का है, तो इसमें आपको एंगल अच्छा आ रहा होगा यार, कृपया करके कमेंट करके जरूर बताना यार कि कैसा एंगल आ रहा है आपको। अगर राहुल अपने पीछे है, तो मैं ना इधर बैटरी खड़े करके ना एक थोड़ी सी खींचते हैं, अब बताना यार खींचने पे कैसी साउंड आ रही है यार, मेरे को नहीं पता इस टाइम पे, क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर ना मैंने ना अभी चेक किया यार मेरे माइक की साउंड कैसी आ रही है यार, आई थिंक ना यार पता नहीं क्या हो रहा है इस माइक को, इसमें ना आवाज ना मेरी गूंज रही है, चेक करना कि यार आपको साउंड कैसी आ रही है, वो भी अच्छी आ रही हो। तो रिएक्शन एक नंबर आते हैं यार, देख रहे हो रिएक्शन तो एक नंबर काफी लावा आते हैं, पावर होके चल रहा है। तो यार एक ना जगह पे ना इसने ना आई थिंक ही पता नहीं क्या किया, इसने ऑयल दिया शायद से अपनी ब्रेक को, तो उसकी वजह से ऑयल मतलब कि ऑयल वाले जो टैंक होता है इसका, मतलब कि जो फ्यूल वाला गेज सा होता है उसके अंदर इसने ऑयल दिया, उसकी वजह से ना वो ऑयल चलते टाइम लगता है, तो इसकी ना थोड़ी ब्रेक नहीं बची। अब सेट हो गया सिस्टम, तो अभी भी फुल पावर चल रहा है, मैं भी खींचता हूँ। ओहो क्लोज हाल दे रहा है, क्लोज हाल अभी ना हम सीटी में पहुंचने पर पहुंच गया समझ लो, तो मैं रस्ती है। ओहो आज हम सीटी राइड कर रहे हैं। ओहो
नंबर राहुल भाई अंकल ने देखा तो यार रिएक्शन कैसे करता है लोगों के, क्योंकि इसकी बाइक ना ब्लू कलर की है ना, तो उसका ओ भाई क्रॉस कर ली, क्रॉस कर दे रहा कितनी खतरनाक तरीके वाली। ओ भाई 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 ओहो ओ भाई ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जा रहा था यार, ये बात कर रहे चक्कर में देख रहे हो। ओ भाई ओ एक नंबर, अरे यार ओ भाई कैसे यहाँ पर रेस होने वाली है। फाइनली गाइस अभी हम आए थे यार पीयूष के पास, तो देख रहे हो आप बंदा की कैसे मतलब हेलो करो पहले सर, इधर 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 हेलो गाइस करो ना, हाय गाइस फिर गाइस अपनी बिल्लो देख रहे हो आप मिरर्स कैसे लग रहे हैं आप भगवान करके जरूर बताना। और उसके बाद अपना भगत यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसको भी आज हमने मिरर्स लगा दिए, इसको लगाए इसके जो असली 220 वाले होते हैं, बट यार उन वाले मिरर से ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कमेंट करके बताना यार कैसी लग रही है बाइक साहब को, होगी अच्छी लग रही हो तो यार निकलते हैं यहाँ से। तो चल पहनो हेलमेट तो चलो चलो। सो फिलहाल के लिए गाइस अभी हम निकलते हैं यहाँ से, तो होप कि आज हम ना अपना RS 200 जो अपना है उसको रैप वैप के लिए आ जाए पीयूष के पास। देख रहे हो बंदा बोल रहा है रैप करेंगे रास्ता, किसके लिए रैप करने के लिए। तो गाइस मेरी बिल्लो को जो रैप हुआ है वो भी इसी बंदे ने किया, तो अगर आपने एक रैप करवाना होगा तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो ये वाले नंबर पे कॉल कर लेना या कुछ भी, तो यहाँ से आपको रैपिंग मतलब कि जो अपनी बाइक की होती है तो वो फुल पावर हो जाएगी। तेरा अभी यहाँ से निकलते हैं, तो अभी अभी इसने न्यू शॉप खोली है तो सिर्फ मतलब कि छोटे मोटे काम कर रहा है अभी। तो मेरी वाली बाइक और राहुल वाली बाइक भी इसी ने तैयार की है, तो अभी अपनी RS 200 तो वो भी ये तैयार करने वाला है। तो यार चल चल ठीक है ठीक है, देखते हैं रात को आना होकर आएंगे ठीक है। ओके सर ठीक।
बड़ा है, अभी हम सीधे जाने वाले हैं। तो गाइस यार अभी जो नया गाना चला मेरा दिल ये पुकार आजा, उस पर रील बनानी चाहिए। मोड़ कैसे डाल रहा हूँ, उस पर रील बनानी चाहिए। तो आप मन करके जरूर बताना कि यार उसके ऊपर आपको रील चाहिए। सो गाइस देख रहे हो गोपाल देव इधर इधर नीचे नीचे से इधर से चलेंगे तो वापिस हॉस्पिटल वाले रास्ते से घर पे चले जाएंगे। तो बंदा नहीं कोई इंडी चला के आगे चल। तो भाई रिएक्शन कैप्चर कर रहे हो आप, कैसा रिएक्शन आ रहा है इस टाइम पे? क्योंकि यार अभी बिल्लो का जो मिरर सारा वो मैंने वापिस लगाया है तो मिरर इसके कुछ किस तरीके के हैं बताओ। सीन ड्राइव के आगे से पूरा ऐसे लगा ही जर्मन शेफर्ड है, तो मैं आज इसका नाम ही शेफर्ड डालने वाला हूँ बताओ। उसे बिल्लो तो अपनी हाई है, उसके बाद शेफर्ड हम इसका नाम डालेंगे सोच रहे हैं। अतुल ने सजेशन दिया मेरे को, मैं अतुल को बोल रहा था कि ये जर्मन शेफर्ड की तरह आगे लग रही है, तो अतुल बोलता कि इसका नाम ही तो शेफर्ड डाल दो फिर मजा आएगा। बिल्लो तो यार बस आज से कोई 5 साल पहले मेरी जो अल्टर हमारी अल्टर तो हमने ली थी यूनियन, तो मैंने ना उसको चलाना मैं चलाता हूँ उसको चलाना सीखा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो यार मैंने उसका नाम ना बिल्लो रानी डाला था। बिल्लो मैं उसको बिल्लो रानी नहीं बोलता था, खाली बिल्लो बोलता था। फिर जब मैंने बाइक ली थी फिर उसके बाद मैंने बाइक को बोलता था मैं बिल्लो है मेरी बिल्लो, रानी नहीं बोलता था खाली बिल्लो, ये मेरी बिल्लो है। तो उसके बाद यार बिल्लो अब अपनी हाँ हाँ करवा रही है बिल्लो। रिएक्शन ओ भाई रिएक्शन एक नंबर आ रहे हैं खतरनाक तरीके वाले। राहुल अपना फुल पावर चल रहा है यहाँ से। गाइस मैं ग्लव्स ही छोड़ा है पीयूष की दुकान, अभी याद आ रहा है मुझे ठंड लग रही थी हाथों में, तो एक बार बैग में चेक कर लेता हूँ कि है भी है ना। मैं यार चेक कर लेता हूँ शायद राहुल ने डाले हैं, पूछता हूँ उसको एक बार। तो पूछा कि इसके पास नहीं है, तो अभी चलो कोई बात नहीं पीयूष की दुकान में है तो अपनी दुकान है। तो गाइस यार चेक करो एक नंबर लग रही है। बाकी जो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी बाइक्स कैसी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो यार कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना फुल पावर ठोक के। तो यार चैनल को अपने दिल से और अपने हाथों से सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपको अगले ऐसे मस्त ब्लॉग में। तब तक यार स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो अपने घर पर रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल यार, सबको लव यू दिल से यार, लव यू ऑल।